केंद्रीय विद्यालय से हुई मिजल्स रूबेला टीकाकरण की शुरुआत। मिजल्स रूबेला टीकाकरण अभियान 2019 के तहत 9 माह से 15 वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों को खसरा रोग का सफाया करने के उद्देश्य से टीकाकरण किया जाना है, जिसकी शुरुआत मंगलवार को शहर के केंद्रीय विद्यालय से हुई। इस दौरान केंद्रीय विद्यालय में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए रंगोली भी बनाई गई, तो वहीं बच्चों के अभिभावकों को इस टीकाकरण के बारे में जानकारी दी गई। खसरा एक जानलेवा रोग है जो कि वायरस द्वारा फैलता है। बच्चे में खसरे के कारण दिव्यांगता और असमय मृत्यु भी हो सकती है, साथ ही इसके कारण निमोनिया, दस्त जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। इसी प्रकार रूबेला भी वायरस के द्वारा फैलने वाला संक्रामक रोग है, जिसके लक्षण खसरे जैसे होते हैं। लेकिन यदि कोई महिला गर्भावस्था के शुरुआती चरण में इससे संक्रमित हो जाती है तो उसे कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम हो जाता है, जो कि गर्भ में स्थित भ्रूण तथा नवजात शिशु के लिए घातक है। साथ ही इसके कारण अंधापन, बहरापन, कमजोर दिमाग एवं अन्य गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, जिसके निदान के लिए यह टीकाकरण अति आवश्यक है, भले ही बच्चे को इसके पहले टीका लगा हो। साथ ही यह टीका पूर्ण रूप से सुरक्षित तथा दुष्प्रभाव रहित है। टीकाकरण को सफल बनाने के लिए पहले से ही लोगों के बीच इस टीकाकरण की जानकारी दी गई थी। विद्यालय में हुए इस टीकाकरण में लगभग 1500 बच्चे सम्मिलित हुए, तो वहीं विद्यालय परिवार ने टीकाकरण कार्यक्रम की सराहना करते हुए अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया। टीकाकरण अभियान है, जिसमें 9 माह से 15 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से मेजल्स रूबेला टीकाकरण वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो चलाया गया है, इसके तहत उनको टीकाकरण किया जाना है। और इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए पहले कलेक्ट्रेट से हम लोगों को एक मीटिंग आयोजित की गई थी, जिस मीटिंग में हमने उसके पश्चात डॉक्टर अग्रवाल यहाँ पर आए। उन्होंने सभी शिक्षकों और अभिभावकों को इसके लिए प्रेरित किया और उनकी शंकाओं का निवारण किया। और आज दिनांक 15 जनवरी को रीवा संभाग में जो इस कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ है, वह केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 रीवा से हुआ है। इसके लिए हम गौरव का अनुभव करते हैं और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने में हम लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं। पूरा डेटा तो शाम तक उपलब्ध हो पाएगा, लेकिन सभी बच्चों की लिस्ट बना करके टीचर्स को दे दी गई है और जितने बच्चों को टीकाकरण किया जा रहा है उनके कार्ड हाथ के हाथ बना कर दिए जा रहे हैं और उनकी प्रेजेंट पेशेंट लगाई जा रही है। किसी बच्चे को अगर कोई विशेष समस्या है, बीमारी है, उसको नहीं किया जा रहा है, उनको बाद में स्वास्थ्य लाभ होने पर किया जा रहा है। एक हाँ दिखाओ, ऊपर करो, ऊपर करो।